So what's up guys, welcome back to my channel ARSHFM Ashfab. So आज है 3 मार्च एंड परसों है आशी का बर्थडे. सो आज मैं अभी जिम जाने लगा था. सो मेरा थोड़ा पेट खराब होने की वजह से मैंने सोचा जिम तो क्या जाना. सो मैंने कुछ सोचा था आशी के लिए स्पेशल की लाइक जैसे आशना के लिए हमने केक बनाया था. तो मैंने सोचा था आयशी के लिए लाइक कोई गिफ्ट बनाए लाइक DIY. सो मैं घर में ढूंढने लग गया कुछ सामान. सो बेसिकली मैंने कुछ लिया हुआ था. पहले तो ये मैंने सोचा था ऐसे लाइक रस्सी वगैरह लगा के रोप वगैरह लगा के उसकी फोटोज लगाऊंगा यहाँ पे एंड वो अपने घर पे ऐसे चिपका सके. बट जब मैंने सामान ढूंढना शुरू किया मुझे सिर्फ ये मिला. बाकी सब कुछ पता नहीं कहाँ है. लाइक हमारे घर में कुछ घूम जाता है ना, कभी नहीं मिलता. वैसे DIY मैं करता नहीं हूँ ना, मेरे को करना आता है. एंड रिशु अपने घर पे है, सैड रियलिटी. एंड बट मेरे को कुछ करना है, बनाना है. सो या हैप्पी बर्थडे आशी. काफी क्रिएटिव हो रहे हैं. बर्थडे पे केक, उसके बाद फोटो. DIY पे आ गया हूँ मैं. यार आशफैब DIY क्लासेस. नाइस आइडियाज. और भी यूट्यूब पे ढूंढियो कुछ. ठीक है ठीक है. केक हो गया, DIY हो गया, अब नेक्स्ट किसका बर्थडे आ रहा. ओह नो. तो आशी के बर्थडे की तैयारी के लिए काफी सामान जो घूम गया था तो अभी हम फिर से लेने आए हैं मॉल में. और काफी डिफिकल्ट रहने वाला क्योंकि आज है लास्ट दिन एंड अभी हमने बनाना कुछ स्टार्ट नहीं किया. हमने प्लान तो बहुत कुछ किया था, फिर हमें लगता था नहीं आज हो पाएगा तो हमको रात में बैठना पड़ेगा. बट हम करके रहेंगे कुछ ना कुछ तो. और एक तो हमें लड़के और ऊपर से काम भी हम टाइम पे करते हैं. जब पॉइंट आ जाता है ना कि तक तक जब पता है कि कुछ नहीं हो सकता तब हम शुरू करते हैं कि कुछ तो करें. हमारे में आत्मा आ जाती है फिर करने के लिए कुछ ना कुछ. सो अभी करने लगे यार शॉपिंग. वाओ व्हाट ए ब्लैक ब्यूटी सिल्वेट ये. हमें वैसे कुछ पता भी नहीं कि क्या खरीदना है. देख देख के चल रहे हैं. जो भी काम की चीज लग रही है उठा लेंगे. तो काफ़ी सामान ले चुके हैं एंड अभी आशना का फ़ोन आया तो वो भी यहाँ पे आ रही है एंड आई एम डैम श्योर वो भी कैमरा लेके आएगी अपना. ये व्लॉगर्स होते हैं ना जो. लेट्स सी अभी वो आई नहीं है. लेट्स सी वो कैमरा लेके आती है कि नहीं, क्योंकि आई नो आशी का बर्थडे है तो वो भी कुछ ना कुछ तो कर रही होगी. ये ले लूँ मैं क्या लंगड़ा होकर चलने के लिए. बहुत ज़्यादा ना फ्रैंक वीडियो स्टार्ट करनी है क्या. काफी कुछ सब कुछ ही पिंक चाहिए उसे आशी को. गाइस हम एक प्रैंक वीडियो करने का सोच रहे हैं तो आप आइडियाज दे हो हमें. जोन सा पसंद आएगा हम ट्राई करेंगे कि वो कर सके कि नहीं. प्रैंक वीडियो बहुत मतलब कोई प्रैंक वीडियो आई नहीं है अभी तक अर्श के चैनल पे तो हम तो वैसे ही बेशर हमें कुछ मिलेंगे. जब आएगी ना बेटे सबसे पहले तेरे पे ही होगा. बेस्ट गिफ्ट मिला मैं आशी के लिए ये. यस ये ड्रेस वो भी डाल दे ब्रो लेते हैं. ये हमारा मेन गिफ्ट है क्योंकि हमारे अपने गिफ्ट का तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा. वो हमारा मेन गिफ्ट है. ये हमारा प्लान बी है. प्लान बी दे गई हो. बी फॉर ब्रश प्लान बी. दिस इज आवर प्लान बी. हैप्पी बर्थडे आशी. हाय वेयर इज योर कैमरा. बैग में ना. मुझे पता था कैमरा के बिना तो नहीं आएगी. ये देख मैंने अपना थीम चेंज कर दिया. ब्राउन से पिंक पे आ गया हूँ मैं. ये क्या है बड़ी है. ये वॉल स्टिकर है, इस पे लगेगी आशी की बहुत सारी फोटो. सोके अर्श पे हम बैठ चुके हैं हमले पे. तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से.
सो अभी रात के बज गया 3, सो फट कर रहा हूँ पर दिल से कर रहा हूँ। सो मैंने थोड़ा ओरिजिनल रखने की कोशिश किया, लाइक अपनी राइटिंग में लिखा जो भी है। ये कसोली की फ़ोटो, डैम फैम की ग्रुप पिक्स, ध्यान से देखा आशी लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। सो फाइनली गाइस गिफ्ट हो गया तैयार। सो बेसिकली मैंने ये गिफ्ट इसलिए बनाया क्योंकि आशी को लाइक मेमोरीज रखना बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक हर पुरानी पे कुछ भी पे खुद से मांग लो व्हाट्सएप पे भेज देती है। सो दिस इज फॉर यू आशी। मैं ये सोच रहा हूँ इसको एयरपोर्ट पे कैसे लेके जाऊंगा। कभी आशी को ये भी नहीं पता कि हम सभी आ रहे हैं एंड उसे सरप्राइज देंगे। सो उसका रिएक्शन देखेंगे एंड हर कोई ना कोई आशना भी सरप्राइज दे रही है एंड तंजील भी सरप्राइज दे रहा है। सो वो भी देखेंगे उसका रिएक्शन एंड बर्थडे मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। सो कल हमारी फ्लाइट है, सो मैं जा रहा हूँ सामान पैक करने। एडी पैक करके सो गया, मानव पैक करके सो गया, मेरे को भी पैक करना है, फिर मेरे को सोना है एंड सुबह जाना है। क्या हो रहा है? तो गाइस कुछ ना कुछ करके मैंने ये उठा ही लिया, बोरी में डाल लिया। राक्षस हेलो ब्रोनो, गरम हो रहा है, ये पूरा मेल्ट हो रहा है, मेरा मेकअप मेरा बढ़िया सी थ्रू। डैम फ्रॉम द मास्क गैंग। तो ट्रैवलिंग टाइम मुझे पता था ये डिस्ट्रॉय होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो एक फूल यहाँ से गायब हो चुका बिल्कुल ही। तो मैं अपना सामान लेके आया था, थोड़ा और करूँगा इसे ठीक एंड आपको मिलता हूँ मैं सीधा तैयार होके। सो रेडी हो गया एंड हमारा दिन भी रेडी है, डेली प्रोग्राम एडिट भी लगा हुआ है। तो अब हम इसको बहुत ही ध्यान से ऐसे ही लेके जाएंगे। ओह नो टास्क, आशी के घर तक का सफर रह गया। चलो 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 मारा भी टिफिन भी उड़ गई। थैंक यू आंटी। ओह नो मेरे रिबन पीछे रह गए। बहुत छोटा है उनको बोला आशी राइटिंग में डाला किसकी है, इसमें कुछ ढूंढो। तेरा ध्यान से देख आशी लिखा हुआ है। अच्छा पॉइंट करके बता कहां लिखा है। SHI गुड वन आशी लिखा। नहीं अबे हट जा यार। Yes. So sweet. Oh, thank you. Thank you. Thank you guys. Sorry. बड़े का ध्यान नहीं हुई अभी तक। एंड मैंने स्पेशल मानव को बोला उसे पकड़ के रख, ऊपर ही चढ़ा रहता है। सो अभी खाना पीना हो गया डन एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। क्यों मानव? ओह नो अभी तक खा रहा है। क्यों नहीं? वो भी देर रहा है। सो अभी मानव सीखने लगा आंटी से रेसिपी कैसे वो ये अलग सा टेस्ट आता है। सौते बेस्ट करते हैं वेजिटेबल, हेल्दी फूड बेस्ट कॉन्टैक्ट आशीष की मम्मी। यस सो अभी मानव सीखने लगा, बाकी मैं जान के नहीं सीखूंगा क्योंकि फिर
क्यों नहीं फिर मानव को ऊपर सोफा जाके बोला करेंगे एक प्लेट बना के ला छोड़ू बढ़िया बढ़िया सा सीखे ये। एंड अभी जस्ट लाइक आशी का बर्थडे है सो मानव एक चैलेंज वीडियो बना रहा है जिसमें आशी क्या कौन सा यस वाला ना कि मेरे को नहीं मानव को यस बोलना पड़ेगा मैं जो भी मानव को बोलती हूं सो इट्स बेसिकली सेइंग यस फॉर 24 आवर्स चैलेंज बट काइंड ऑफ फॉर बर्थडे हां बर्थडे यस गाइस इन अ बैटल ओमी ओह नो मानव कुछ आया याद पैसिफिक मॉल देख के ये पूरी जगह याद आ गई मेरे को यहाँ पे खेल दिया गया था लाइक डेढ़ साल पहले हमने आधे घंटे पहले ऐसी स्टोरी डाल दी थी मैंने मानव और संकेत ने आशी नहीं थी ना बाद में ज्वाइन हुई थी सो गाइस अगर पैसिफिक वाली हमारी MNG देखनी है आधे घंटे वाली तो ऊपर आ गया होगा वहाँ पे क्लिक करो बहुत ही क्रेजी MNG थी वो पूरा पैसिफिक मॉल एक फ्लोर भर दिया था हमने पीछे बता तो पैसिफिक मॉल जरूर देखना वो बोली MNG यहाँ पे क्लिक करके है ना निकाल दिया था हमें पैसिफिक मॉल से निकाल नहीं दिया था उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया प्रॉपर एंड पूछते आप कौन हो हेलो लोग अच्छे लगते हैं सबसे बेस्ट कौन सा था सारी लगते हैं मुझे ये अपने पक्के सब्सक्राइबर्स नहीं होना चाहिए आना चाहिए आएगा ये आएगा तो देखता ब्लॉग को ये तो घर पे देखता मेरे चलो सभी घूर रहे हैं कि कैमरा उठा के निकल रहे हैं कैमरा ब्लॉगर्स की जिंदगी में यही बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि जब हम कैमरा निकालते हैं सभी देखने लग जाते हैं ये ब्लॉग क्यों बना रहे हैं ब्लॉग क्यों बना रही है जैसे कि ये सो गाइस अभी एक मेरी खास दोस्त मिलने आई है मेरे को क्योंकि कुछ ही दोस्त है मेरे दिल्ली के खास उनमें से एक हाय पल्लवी हाय टिंडे ब्लॉक हर गाइस ब्लॉक हर एज सून एज पॉसिबल ब्लॉक हर इसकी आईडी नीचे मैं शेयर करता हूं ब्लॉक अनफॉलो अगर फॉलो किया हुआ मैसेज नहीं होता मेंशन होता है मेंशन बोला फाइनली गाइस अब ब्लॉक करके DM करके दो तीन गालियां भी दो फिट हो गए सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव आशी को गुरुग्राम ब्रो गुरुग्राम क्या जा रहे हैं इट्स अ गांव और समथिंग इट्स गुरुग्राम ओके सो हम जा रहे हैं गुरुग्राम फ्रेंड हो जाते हैं यहां के लोग आशी को सरप्राइज देने गाड़ी में चुप होके जा रहे हैं हम यार अभी गुड़गांव भी जाना है आशी पीछे बैठी हुई है हैं हम गुड़गांव जा रहे हैं गुड़गांव तो पता ही है कर दिया नहीं पता था उसे गुड़गांव ही नहीं पता था नहीं पता था उसे कुछ नहीं पता था तभी ना गाड़ी चलाना अभी यार गुड़गांव भी जाना है आशी आशी थोड़ी देर बाद गुड़गांव जा रहे हैं हम तो गाड़ी में तो पता ही चल रहा था उसको गुड़गांव जा रहे हैं फिर भी बाद में थोड़ा बताया चला अरे प्लान ही बता दिया आशी वी आर गोइंग टू गुड़गांव वाओ हैप्पी बर्थडे आशी वाओ कितनी मेहनत की है यार तुम लोगों ने वाओ सरप्राइज एके वाओ आर यू एक्साइटेड बेस्ट सरप्राइज पार्ट 2 एक्सपेंसिव सरप्राइज पार्ट 3 मोस्ट एक्सपेंसिव बेस्ट नाइफ लो बजटेड 200 ये हर बर्थडे पे केक होने जरूरी है क्या मैं मानव और रानी ऐसे देख रहे होते हैं और हमसे तो पूछना भी बंद कर दिया इन्होंने आजकल ऐसे निकल जाते हैं हम ऐसे ये देख ये एग्जांपल दिखाइयो दिलजीत चू 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 करते मैं भी वही सोच रहा चू चू ये दिल चलेगी लाइट चलेगी इसके पीछे
जिसने गाइस इसे पहचान लिया नीचे कमेंट बताओ, कमेंट करो नीचे जिसने इसको पहचान लिया। ये डाल ले मैं भी रो रहा हूँ। तो ये मैं पूरा नहीं डालूंगा। सो गाइस ये पूरा सॉन्ग सुनने के लिए आप तंजील के चैनल पे देखना अगर आपने नहीं देखा। yes. बहुत अच्छा लिखा है, गाया है, बहुत मेहनत की है। रोंदू ओए रोंदू पकड़ो पकड़ो यार। कट सीन फिर से वंस अगेन आयशी को देख के खुशी के आंसू सभी रोने लग गए हम। सो यहाँ पे हो रहा है मेरा व्लॉग खत्म। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब अर्श फैम एंड लव यू ऑल। बाय बाय। एंड एक और चीज सो द थिंग इज दैट लाइक इतने मैसेज करते हो तुम, इतने बड़े बड़े मैसेज होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टेंट ऑफ लाइक सेंडिंग मी मैसेज आप एक वीडियो भेज दिया करो, कोई भी चाहे क्वेश्चन पूछ लिया करो, कुछ भी पूछ लिया करो, तो मैं अपने व्लॉग्स में उनकी वीडियो लगा के लाइक आंसर किया करूँगा। सो ये शाउट आउट भी हो जाएगा तुम लोगों के लिए एंड मुझे भी खुशी मिलेगी इतना प्यार तुम दिखाते हो मैसेज में लाइक। सो मैं मैसेज के स्क्रीनशॉट डाल के मज़ा नहीं आएगा। सो वीडियो भेज दिया करो मेरे को इंस्टाग्राम DM कर दिया करो वीडियो में, वीडियो डाउनलोड करके जो मेरे को मतलब हर व्लॉग में मैं 2-3 आंसर कर दिया करूँगा एंड तुम्हारी वीडियो चलाया करूँगा। सो बाय बाय, कमेंट सब्सक्राइब लाइक, लव यू ऑल, बाय।